ये मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, कंफर्म करना एक बार। हाँ होएगा जी। ओके। अच्छा देखो, तो फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर बात कर रहे थे। गुड इवनिंग सर, सबको गुड इवनिंग। अच्छा, तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब ये एक्चुअली लेवरेज से कंटिन्यूशन हुआ था। हम लोग सबसे पहले कंपनी का लेवरेज एरिया में पूरा डिटेल्स पढ़े। लेवरेज पढ़ने के बाद हम लोगों ने सर कैपिटल स्ट्रक्चर में डिटेल्स पढ़ना चालू किए। और जब भी हम लोग लेवरेज के बाद कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन करना चालू किए, कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझे, एक चीज़ तो दिमाग में आ गया सर, इसमें तो कोई मतलब दोहराई नहीं है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का बड़ा सिंपल मतलब ये होता है कि भाई कंपनी जो बिजनेस करता है, ठीक है भाई, कंपनी तुम जो बिजनेस करते हो उसमें तुम क्या यूज़ कर रहे हो। सिंपल बात है, आप एज ए फाइनेंशियल मैनेजर, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, आप कंपनी को पूछते हो या फिर एडवाइस करते हो कि भाई कंपनी तुमको बिजनेस करना है, अब बताओ कि भाई अपने पैसे से करोगे कि किसी और के पैसे से करोगे, या फिर दोनों मिक्सड अप करके करोगे, है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर का ही मतलब होता है अपना पैसा मतलब इक्विटी, अपना पैसा मतलब इक्विटी। सर अभी आपके मन में सवाल आ रहा है, अपना पैसा मतलब इक्विटी? हाँ सर, अपना पैसा मतलब इक्विटी। अब सर जो मार्केट से फिर इन्वेस्टर का जो पैसा है वो भी तो इक्विटी का पैसा है, तो फिर वो अपना कैसे? यस, इक्विटी का मतलब ही होता है वो, मतलब हम लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, जैसे पेटीएम रिसेंटली आ रहा है, पॉलिसी बाजार रिसेंट रिसेंट में आया है, नाइका आया है ना, बहुत लोगों को कंग्रेचुलेशन सर, बहुत लोगों को आजकल बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा बात है। तो सवाल ये उठता है सर, ये जो पैसा इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है आईपीओ में या फिर मार्केट में इन्वेस्ट करके डे टू डे मार्केट में कमा मतलब इन्वेस्ट कर रहा है, वो कंपनी का इक्विटी लेता है। और कंपनी का इक्विटी लेने का मतलब क्या है? वो कंपनी का ट्रू ओनर बनता है। तो कंपनी के लिए वो कैपिटल रहा, और वो कैपिटल कंपनी ओन कैपिटल में दिखाता है, मतलब इक्विटी कैपिटल में। लेकिन कंपनी का प्रोमोटर का पैसा हो या फिर इक्विटी का पैसा हो, मतलब शेयर होल्डर का पैसा हो, वो अपना पैसा है। समझ रहे हैं ना सर, वो अपना पैसा है। इसीलिए तो कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को रिटर्न देगा कि नहीं देगा इसका गारंटी नहीं लेता। आप समझ रहे हो सर, कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को रिटर्न देगा कि नहीं देगा इस पे कोई गारंटी देता है क्या? अरे अगर बाय चांस मानो आप कंपनी पे 1 लाख इन्वेस्ट किए और कंपनी आपको बदले में कुछ नहीं दिया क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग रहा, तो आप कुछ बोल पाओगे? अरे आप कुछ बोल पाओगे कंपनी को कि भाई क्यों नहीं दिया? आप सेबी के जब पे कंप्लेन करोगे क्या कि मैंने कंपनी को 1 लाख दिया था बट कंपनी मेरे को लॉस दिखा के और टाटा बाई बाई कर दिया, क्या आप कुछ कह सकते हो कंपनी पे? अरे हाँ ना, कुछ तो ना बोलो। दादा, नहीं ना, बिकॉज आप ट्रू कैपिटल ओनर हो, है ना। लेकिन अगर यही बात लोन का हो जाए तो मतलब, तो अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हो, कंपनी कंपनी जो है वो किसी से लोन लेके रखा है, तब तो उसको देना पड़ेगा, चाहे वो बैंक से ले, चाहे वो किसी इंडिविजुअल से डिबेंचर ले, है ना, या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन उठाए, डिबेंचर उठाए, तब तो उसको देना पड़ेगा। और ये डिबेंचर जो है ना सर, ये रिस्क है, ये डिबेंचर रिस्क है, पूरा रिस्क है। लेकिन सर तब इक्विटी लेना बहुत अच्छा बात है क्या? सर इक्विटी लेना ऐसे पेपर वाइज रिस्क तो है नहीं, बट इक्विटी का क्या है ना, मार्केट गुडविल पर बात है, मतलब ये कॉपी बुक बात नहीं है। मतलब मार्केट से अगर कोई कंपनी इक्विटी उठा रहा है ना, अगर बाई चांस मानो कि कंपनी का रेपुटेशन खराब हो जाता है तो उसको कभी कोई पैसा नहीं देगा। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, एक बार रेपुटेशन डाउन हो जाए ना, उस कंपनी को इक्विटी पर का भरोसा मिलना मुश्किल है। बैंक शायद फिर भी भरोसा कर ले बाद में लोन देने के टाइम पे, बट इक्विटी का भरोसा जितना इतना आसान नहीं होता। सही बोला ना सर, जो लोग मार्केट के साथ कनेक्टेड हो उनको समझ आ रहा है कि शायद बैंक आपका एसेट गिरवी रख के भी आपको लोन दे देगा, बट इक्विटी वाले क्या रखेगा? इक्विटी वाले बिजनेस पे भरोसा करके इन्वेस्ट करता है, बिजनेस पे भरोसा करके इन्वेस्ट करता है कि आपका बिजनेस अच्छा चलेगा तो आपको बाद में रिटर्न मिलेगा। क्या रिटर्न मिलता है? डिविडेंड मिलता है, और कंपनी का जो वैल्यूएशन ग्रोथ होता है उस पर रिटर्न मिलता है ना, मतलब कंपनी का जो क्या बोलते हैं उसको, एप्रिसिएशन होता है। मतलब डे बाई डे बिजनेस करते रहोगे ना तो बिजनेस का क्या होता है? एप्रिसिएशन होता है। डिप्रिशिएट तो बिजनेस होता नहीं है नॉर्मली, है ना। बिजनेस का, बिजनेस क्या है? गोइंग कंसर्न। बिजनेस आज चालू करोगे डे बाई डे बढ़ते जाएगा, बिजनेस कभी नीचे नहीं आ सकता। सर आता तो है ना, अरे सर वो तो खराब सिचुएशन है, बट बिजनेस कभी भी कोई बंद कर देगा ऐसे कॉन्सेप्ट में थोड़ी करता है। बिजनेस हमेशा गोइंग कंसर्न, आज चालू करेंगे चलता जाएगा। सर कहना क्या चाहते हो? सर कहना ये चाहते हैं कि आज एक स्पेशल पॉइंट डिस्कस करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर पे।
ये जो डेट इक्विटी जो भी खेल है ना, प्रेफरेंस शेयर्स, आज एक स्पेशल पॉइंट होगा आरओई एंड आरओआई। सर ये क्या है? सर बड़ा फेमस पॉइंट है, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आज आपको एक ऐसा पॉइंट समझ में आएगा, ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये दोनों पॉइंट आपस में रिलेशन क्या रखता है, कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन सा मतलब किससे क्या समझ में आता है, रिटर्न ऑन इक्विटी से क्या समझ आता है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से क्या समझ आता है, कंपनी के पर्सपेक्टिव से समझना है, ठीक है, एज वेल एज इन्वेस्टर की पॉइंट ऑफ व्यू आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और साथ में एक बड़ा अच्छा चीज़ देखना है कि किस सिचुएशंस में कंपनी को क्या करना चाहिए, मतलब कब कंपनी को मार्केट से लोन उठाना चाहिए, कब कंपनी को मार्केट से इक्विटी उठाना चाहिए, और कब इक्विटी उठाओ लोन उठाओ फर्क नहीं पड़ता, सेम असर पड़ता है। सर क्या बात करते हो, ऐसा ऐसा सिचुएशन होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल होता है, और ये आपको एक्चुअली आरओआई एंड आरओई रिलेशनशिप से ही समझ में आएगा, और उसके बाद मैं आपको डिविडेंड डिसीजंस पे लेके जाऊंगा। चलो बहुत सारा कहानी सुन लिए, अब बातों को हकीकत में बदलते हैं, ठीक है, बातों को हकीकत में बदलना ज़रूरी है ना सर, मतलब आपको रियल लाइफ में समझना पड़ेगा, सिर्फ कहानी समझ के क्या होगा। ओके अच्छा स्क्रीन शेयर है, जस्ट एक बार कंफर्म करो ना, ये भाई पेन कहाँ है है? दादा। ओके चलो फिर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक गजब मैनेजमेंट है सर, दुनिया का हर एक चीज़ इसी पे डिपेंड करता है, मतलब हर एक चीज़, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है ना, तो उसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, जो जितना अच्छे से अपना फाइनेंस को मैनेज करता है, उसका फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम है या फिर फाइनेंशियल जो अप डाउन है वो हमेशा कंट्रोल में रहता है। आधे से ज़्यादा लोगों का प्रॉब्लम जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में अगर आप देखो ना, एवरीबडी, जस्ट लुक एट दी एवरीबडी इन सोसाइटी, ईच एंड एवरीबडी, सुबह से लेके रात तक जो करेंट सोसाइटी हम लोगों ने बिल्ड किया, इसमें पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ हो गया, मतलब जिसने थोड़ा सा, जिसने भी थोड़ा बहुत गलती करता है ना अपने फाइनेंस को कंट्रोल करने में, वो मुश्किल में आ जाता है। तो ये नॉट जस्ट फॉर द कंपनी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्सो फॉर पर्सनल पर्पस, शायद बात आप बात कैसे ले रहे हो आई डोंट नो, बट इट्स रियली ट्रू सर, कि सिर्फ सिर्फ कंपनी का बात नहीं है, इंडिविजुअल घर की भी बात है, इंडिविजुअल इंसान का भी बात है, कि कोई भी इंसान अपने इनकम को कैसे कंट्रोल करे, अपने फाइनेंस को कैसे कंट्रोल करे, कैसे मैनेज करे वो अपने आप को, और साथ में ग्रो भी करना है। लेकिन ठीक है, हम लोगों का हिसाब किताब तो बिजनेस लेवल में होता है, यू ऑल नो, बिकॉज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बिजनेस ऑपरेशन के लिए सीखते हैं। ठीक है चलो, तो हेडिंग कर देना सर आरओई आरओआई रिलेशन। आरओई आरओआई रिलेशनशिप, ठीक है लिखो सर। अनदर टेक्निक, अनदर टेक्निक दैट फर्म इन रियल लाइफ, एकदम सर, वास्तव में जो कंपनीज है ना सर वो इस पे बहुत डिपेंड करते हैं सर, रियल लाइफ में जो भी कंपनी, स्टॉक मार्केट लिस्टेड हो, प्राइवेट कंपनीज हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हो, गवर्नमेंट कंपनीज हो, सबका इस आरओई एंड आरओआई पे बड़ा चिंता होता है कि क्या करे इसको, मतलब कैसे मैनेज करे इसको। दैट फर्म्स इन रियल लाइफ यूज टू मेक द चॉइस बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी, डेब्ट एंड इक्विटी। अच्छा आई होप आप लोगों को याद होगा प्रीवियस जो लेक्चर्स था उसमें हम लोग ऐसा कुछ क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन एज ए प्रोजेक्ट किया है, जिस क्वेश्चन में आप लोगों को ये पता चला था कि कंपनी अगर लोन से पैसा उठाते हैं तो क्या सिचुएशन क्रिएट होता है, अगर कंपनी इक्विटी से पैसा उठाते हैं तो क्या सिचुएशन क्रिएट होता है, आप लोगों ने देखा क्या रे, याद आ रहा है क्या प्रीवियस क्लास का जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, उसमें कंपनी लोन इक्विटी दोनों से पैसा उठा रहा है, ईबीआईटी लेवल देख रहे थे आप लोग, ईबीआईटी ईपीएस रिलेशनशिप देख रहे थे, इंडिफरेंस पॉइंट, याद आ रहा है कुछ बोलो ना।
हाँ सर, किसी को तो याद होगा, याद नहीं आ रहा है क्या? प्रीवियस क्लास हाँ लेक्चर्स। सर, ओके सर, दैट फार्म्स इन रियल लाइफ यूज्ड टू मेक द चॉइस बिटवीन डेट एंड इक्विटी इज ROE एंड ROI रिलेशनशिप। अभी देखो फॉर्मूला वगैरह आप लोग कुछ जानते हो, कुछ मैं अभी आपको थोड़ा और बताऊंगा। जैसे ROE का जो फॉर्मूला लेवल है, अगर मैं आपको बात करूं, एज यू ऑल नो सर, आपको पहले भी बताया, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला हम लोग पहले भी यूज़ कर चुके हैं। ROE का फॉर्मूला जो है, दैट इज़ ROI प्लस ROI माइनस इंटरेस्ट इंटू DE इंटू 1 माइनस टैक्स। ठीक है, ये होता है रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला। ठीक है, जहां पर ROE का जो मतलब है, ROE दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी इज पैट बाय नेटवर्थ, पैट बाय नेट ओर्थ। ठीक है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है कंपनी का, उससे नेट ओर्थ को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और देर इज अनदर कॉन्सेप्ट, दैट इज ROI। ROI नेक्स्ट पेज में करता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा, यस यहाँ पर हो जाएगा। ROI पे लिखना इक्वल्स टू EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये ROI का हिसाब किताब आता है। मैं आपको सभी चीज़ें धीरे धीरे समझाता हूँ, बट बिफोर दैट एक बार कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें देखते हैं। जस्ट मैं मनी कंट्रोल में जाता हूँ, एक कोई भी कंपनी लेता हूँ, रिलायंस शेयर, मनी कंट्रोल में जा सकता हूँ, टिकट टैप में जा सकता हूँ, बहुत सारा साइट है जहाँ पर आप कंपनी का डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो जस्ट मैं रिलायंस में गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज इन मनी कंट्रोल, इट्स अ वेरी फेमस ऐप, स्टॉक मार्केट डिटेल्स बहुत कुछ मिलता है इधर। ठीक है, जो लोग मार्केट इन्वेस्टर्स होते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग यहाँ पर जाके कंपनी के बारे में फंडामेंटल्स, टेक्निकल डेटा फाइंड आउट कर सकता है, करते भी हैं। तो जस्ट मैं आपको एक बार जस्ट दिखाना चाहता हूँ, EPS वगैरह तो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ROE ROI ROE ROI, किसी को दिखे तो मुझे बताना सर। डेब्ट टू इक्विटी, प्रमोटर होल्डिंग्स, पीयर्स, म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पर मुझे किसी को दिखाई दिया गया? मुझे अभी तक तो कुछ दिखा नहीं। इसके लिए शायद मुझे फंडामेंटल्स में, ये टेक्निकल चार्ट्स हैं, टेक्निकल सभी काम नहीं है, फाइनेंशियल्स चाहिए। मार्केट, एक सेकेंड रुको, जस्ट एक बार आपको दिखा देते तो आपको सुविधा होता कि रियल लाइफ में किस तरह से ये सब चीज़ें कैलकुलेट करके हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है ना? मतलब जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, इन लोगों को ये सब डेटा हमेशा शो किया जाता है। मार्केट में जो एनालिस्ट होते हैं ना सर, वो भी कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं। जैसे ये पी रेशियो क्या, खेल क्या है, आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, है ना सर? प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, ये सॉरी प्राइस अर्निंग रेशियो, ये सब आपको, आपके साथ मैंने ऑलरेडी बात कर चुका। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल्स के अंदर, अच्छा मुझे यहाँ पर ROE ROI का ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है अभी। ठीक है, अगर कभी मुझे दिखेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, करेंटली मुझे नहीं शो कर रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक डिविडेंड का एरिया बता रहा है, पी रेशियो तो पहले भी आपको बताया। ठीक है, अभी ROI ROE का एरिया मुझे करेंटली मिल नहीं रहा है। ठीक है, मैं बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, जब मुझे मिल जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कंपनी अपना डिटेल्स के अंदर इसको शो करते हैं। ऐसे सिंपल अगर मैं आपको बोलूं कि सर आप इनकम स्टेटमेंट में जाओगे
तो पैट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, दैट इज नेट इनकम, ठीक है, डिवाइडेड बाई जो टोटल ओट थे या नेट ओट थे उसे डिवाइड करते हैं, तो एक्चुअली ये सारा का सारा डिटेल्स हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अब सवाल यही उठता है कि सर कंपनी का डिटेल्स तो हम लोग इस तरह से फाइंड आउट करके, मतलब फाइनेंशियल डेटा से ही आप कंपनी के बारे में एनालिसिस करते हो, अब ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है मुझे करेंटली दिखा नहीं, जब दिख जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा, शायद कुछ टाइपिंग में जो जहां पर मिलता है ना वहां पर मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, शायद एड्रेस कुछ और देना होगा। तो अनदर टेक्निक दैट फर्म्स इन रियल लाइफ यूज टू मेक द चॉइस बिटवीन डेट इक्विटी इज आरओई एंड आरओआई रिलेशनशिप, जहां पर आरओई क्या है सर, रिटर्न ऑन इक्विटी है, एंड जिसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है सर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट लेस करो इंटू डेब्ट बाई इक्विटी करो इंटू वन माइनस टैक्स करो, जहां पर आरओई दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी इज पैट बाई नेट वर्थ एंड आरओआई इज ईबीआईटी बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये तो समझ में आ ही रहा है सर कि टोटल जो कंपनी का नेट वर्थ होगा उससे कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो आरओई स्टैंड करता है, और आरओआई का क्या मतलब हो गया, कंपनी का जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके अंदर मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है, ईबीआईटी कितना मिल रहा है। तो ये दोनों बड़ा ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर पॉइंट है। अब सवाल उठता है कि सर इसको करें क्या, इससे क्या मिलेगा हमें, क्या तसल्ली होगा, अब देखो ना तसल्ली कैसे समझ में आता है। अच्छा, डी बाई ई मतलब डेब्ट एंड इक्विटी जो कंपनी के केस में एक बहुत बड़ा इशू है कि भाई कंपनी का जो डी बाई ई रेशियो है मतलब डेब्ट इक्विटी रेशियो ये कैसा चल रहा है। तो डी बाई ई स्टैंड्स फॉर डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, आई इक्वल्स टू क्या है, आई इक्वल्स टू है इंटरेस्ट रेट ऑन डेब्ट, है ना, इंटरेस्ट रेट ऑन डेब्ट, एंड टी का क्या होता है सर, टैक्स रेट जो गवर्नमेंट कंपनी से लेगा, है ना, टैक्स रेट, कॉरपोरेट टैक्स यहां पर। नाउ रिमेंबर द बॉटम लाइन, बॉटम लाइन क्या है सर, बॉटम लाइन मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, रिमेंबर द बॉटम लाइन, बॉटम लाइन इन फिनेंस, ठीक है, द अनडिस्प्यूटेड लिखिएगा सर, द अनडिस्प्यूटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अनडिस्प्यूटेड ऑब्जेक्टिव क्या है, एनीवन इज टू बताओगे सर, द अनडिस्प्यूटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज व्हाट, ये स्टार्टिंग ऑफ दी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही लिखा जाता है एकदम इंट्रोडक्शन क्लास में, जिन लोग शेयर होल्डर्स इंट्रोडक्शन कर, वेल्थ। वेरी गुड सर, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, थैंक यू, एकदम इंट्रोडक्शन का जो क्लास होता है सर उसमें पढ़ा जाता है शेयर होल्डर्स वेल्थ, जिन्होंने अभी भी इंट्रोडक्शन क्लास नहीं किया डोंट वरी मैं उनको शेयर करूंगा, विशाल मेरे से एक बार याद दिलाना, मैं तेरे को इंट्रोडक्टरी कुछ लेक्चर शेयर करूंगा, तो एक बार प्लीज इंट्रोडक्टरी कुछ एरिया जरूर देखना। अच्छा, द बॉटम लाइन द अनडिस्प्यूटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, मतलब ये जो भी कंपनीज में आप इन्वेस्ट करते हो ना, जैसे आप रिलायंस में इन्वेस्ट करो, एयरटेल में इन्वेस्ट करो, एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करो, जहां मन करे इन्वेस्ट करो, बट कंपनी जब भी आपका पैसा लेता है, कंपनी को फाइनेंस में आपका पैसा मिलता है या बैंक से लोन लेता है, जो भी करे, चाहे इक्विटी से पैसा ले चाहे लोन ले, बट बैंक का या कंपनी का एक ही टारगेट होता है, टारगेट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, यही टारगेट होता है हमेशा, ठीक है, कि कुछ भी करे बट शेयर होल्डर्स का वेल्थ को डे बाई डे इम्प्रूव करते जाए, ठीक है सर, शेयर होल्डर्स के वेल्थ को इम्प्रूव करना है, तो ये अनडिस्प्यूटेड क्राइटेरिया है। द अनडिस्प्यूटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेयर इनटू शेयर का जो दाम है ना, नंबर ऑफ शेयर इनटू शेयर प्राइस करके हमें शेयर होल्डर्स का वेल्थ पता चल जाता है, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। लेकिन अब सवाल फिर से आ जाता है सर आरओई पे, आरओई रेफर्स टू दी, बहुत वाइटल पॉइंट है ध्यान से सुनना सर, आरओई रेफर्स टू दी एफिशिएंसी
विथ विच, विथ विच फार्म्स मैनेजमेंट, मतलब फार्म का जो मैनेजमेंट है सा, फार्म्स मैनेजमेंट जेनरेट जेनरेटेड रिटर्न ऑन इक्विटी फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी फंड, मतलब इक्विटी से जो पैसा ले, जैसे मानो कि पेटीएम आया, मतलब आ रहा है, पॉलिसी बाजार आया, आपका नाइका जैसे कंपनीज आया, इनका क्या ऑब्जेक्टिव है? वो इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लिया है, अब क्या करेगा? आरओई रेफर्स टू द एफिशिएंसी विथ विच फर्म्स मैनेजमेंट जेनरेटेड रिटर्न ऑन इक्विटी फंड, मतलब इक्विटी फंड से जो पैसा इकट्ठा किया गया उसको रिटर्न जेनरेट करना है, यही इसका एफिशिएंसी लेवल बताता है, आरओई लेवल चेक करके, ठीक है? लेकिन इस पॉइंट को देखते हुए एक चीज हमें यहां पर लिखना पड़ेगा, अदर फैक्टर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, मतलब क्या है ना, हर चीज को वेरिएबल कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कुछ फैक्टर को कॉन्स्टेंट कर देंगे, मतलब अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट, मतलब उसमें बहुत सारा चीज़ हो सकता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन, ठीक है, चाहे वो कोरोना के कारण हो, या फिर चाहे वो मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस हो, वॉट एवर, अदर फैक्टर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, ऐसे सिचुएशंस में चाहे कुछ भी हो, सब सिचुएशंस को अदर फैक्टर को कॉन्स्टेंट कर दे, बट अगर फर्म किसी भी मतलब इक्विटी होल्डर से, मतलब शेयर होल्डर से पैसा ले रहा है, इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, आरओई क्या क्या कहना है? एफिशिएंसी विद इन विच फार्म्स का मैनेजमेंट, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट जेनरेटेड रिटर्न ऑन इक्विटी फंड, जब बाकी चीज़ें कॉन्स्टेंट रहे, ठीक है, बाकी चीज़ें जब कॉन्स्टेंट रहे, और उसमें हायर दी शेयर प्राइस, मतलब अदर फैक्टर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट एंड हायर दी शेयर प्राइस, हायर दी शेयर प्राइस, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, शेयर प्राइस भी इंक्रीज करेगा, हायर दी शेयर प्राइस, ठीक है? रुको, अभी भी खत्म नहीं हुआ, समझाते हैं। अब देयर इज ए पॉइंट सर, आरओई इन टर्न डिपेंड्स ऑन आरओआई, आरओई जो है सर, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स अपॉन आरओआई, डिपेंड्स अपॉन आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे आरओई डिपेंड करता है। टू एक्सप्लेन द इक्वेशन, इसको समझने के लिए अब कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं, चलो कंसिडर टू आईटी कंपनी, ठीक है, टू आईटी कंपनी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या ले सकते हो, TCS, इंफोसिस, ऐसा सोच सकते कि नहीं, TCS, इन्फी, कुछ भी ले सकते हो, या फिर आईटी की जगह सीमेंट भी ले सकते हो, है ना, आईटी हो या सीमेंट हो, वट एवर जो आपको ठीक लगे, सीमेंट होगा तो फिर एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, अंबुजा और अल्ट्राटेक, ऐसा है ना, क्या अंबुजा अल्ट्राटेक एक ही है क्या, अलग है क्या रे सर, का शेयर प्राइस बहुत है सर, अल्ट्राटेक सीमेंट 7,882 एक शेयर का प्राइस है इसका, लास्ट 1 ईयर में इसका शेयर में काफ़ी अप एंड डाउन चला है, अंबुजा थोड़ा सस्ता लग रहा है मुझे, अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ये भी इसका भी देखो सीमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी काम हुआ नहीं है, तो मार्केट में उतना बिजनेस नहीं हो पाया, रियल एस्टेट ग्रोथ पे डिपेंड करता है ना, रियल एस्टेट चलेगा तो सीमेंट कंपनी चलेगा, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, रियल एस्टेट का भी बूम नहीं है रहा, रियल एस्टेट थोड़ा हल्का फुल्का चल रहा है, इसलिए मतलब इस सब में थोड़ा बहुत मुश्किल है, 409 का करके शेयर चल रहा है, ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर, बट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बेट हो सकता है सर, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बेट हो सकता है, ठीक है, अभी ये एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक है, जस्ट समझा रहा हूँ आपको कि क्या चलता है, तो ये सीमेंट कंपनी हो या आईटी कंपनी, वट एवर, आपको क्या देखना होगा, ठीक है, आईटी हो या सीमेंट, आरओई इंटर्न मतलब इंटर्न डिपेंड्स अपॉन आरओआई, टू एक्सप्लेन द इक्वेशन कंसिडर टू आईटी और सीमेंट कंपनी, जो आपको ठीक लगे आप मन में इमेजिन कर सकते हो, तो
फॉर्म, आईटी कंपनी नाम ले लो ऐसा, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, इस तरह से सोच सकते हो, ठीक है, मतलब अंबुजा एंड अल्ट्रा, ठीक है, अंबुजा एंड अल्ट्रा को ले लेते हैं, तो ए फॉर अंबुजा और यू फॉर अल्ट्रा, ठीक है, चलो ए एंड यू, ठीक है, तो ए एंड यू, विच आर हैविंग, मैं सीमेंट को ले लिया, विच आर हैविंग सेम लेवल ऑफ बिजनेस रिस्क, मतलब दोनों ऐसा कंपनी कंपेयर करो सर जिसका रिस्क फैक्टर सेम है ना, जैसे टीसीएस का बिजनेस, अगर इंटरनेशनली आईटी बिजनेस का प्रॉब्लम रहेगा तो टीसीएस को भी होगा तो इन्फो को भी होगा, है ना, सिमिलरली अगर सीमेंट मार्केट में प्रॉब्लम होगा तो अंबुजा का भी होगा और अल्ट्राटेक का भी होगा, क्या सर सही कि नहीं? अगर मार्केट में सीमेंट का मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो अंबुजा का भी होगा तो अल्ट्राटेक को भी होगा ना, ये सर नो क्या रे सर बोलो, अरे हाँ ना कुछ तो बोलो, कनेक्टेड हो कि नहीं आप लोग? यस सर। यस ना, ओके, अभी चलो सर पॉइंट को और थोड़ा इलाबोरेट करते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्म ए मतलब अंबुजा, ठीक है, फर्म अंबुजा अनलिवर्ड है, एग्जांपल ले रहे हैं अभी, सर अनलिवर्ड है मतलब लोन नहीं है, सिंपल बात है, वाइल अल्ट्राटेक मतलब यू, यू जो है सर, अल्ट्राटेक हैज अ डेब्ट, फॉर्म अंबुजा अनलिवर्ड वाइल अल्ट्राटेक हैज अ डेब्ट इक्विटी रेशियो, पॉइंट फाइव, पॉइंट फाइव का है, मतलब पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई 1.5 इस तरह से, तो 0.5 का मतलब ही है कि 1 प्लस 0.5, तो 1.5 टोटल है, उसमें 0.5 डेप्ट इक्विटी रेशियो किसका है, अंबुजा का और अल्ट्राटेक का, सॉरी अंबुजा का नहीं अल्ट्राटेक का है, जिसका डेप्ट किसका है अल्ट्राटेक का है, अंबुजा का कोई डेप्ट मार्केट में नहीं है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है सर, टेक टैक्स रेट, तो सर स्टैंडर्ड टैक्स रेट है वही लेते हैं 30%, सर वेरी स्टैंडर्ड रेट सर, इंडियन मार्केट में लास्ट 5 साल में ऐसा ही रेट रहा है कॉरपोरेट लेवल में, एंड इंटरेस्ट रेट ऑन डेप्ट, इंटरेस्ट रेट ऑन डेप्ट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट ऑन डेप्ट क्या है 12%, इंटरेस्ट रेट ऑन डेप्ट इज 12%, मतलब डेप्ट का जो इंटरेस्ट है वो 12% है, सिचुएशन कुछ इस तरह का आपके सामने रहा, ओके सर, सिनारियो कुछ समझ में आ रहा है, अब ऐसे सिचुएशंस में आपके सामने अलग अलग सिनारियो क्रिएट होगा, ध्यान से देखना सर, हाँ, सिनारियो वन, द इकोनॉमी, अच्छा अगर मैं आपको बोलूं कि करंट इकोनॉमी क्या लग रहा है आप लोगों को, करंट इकोनॉमी क्या बहुत हाई फाई इकोनॉमी मतलब बूम सिचुएशन चल रहा है, या फिर नॉर्मल इकोनॉमी है अभी, या फिर रिसेशन चल रहा है? अरे शेयर मार्केट को कोई देखेगा तो बोलेगा कि इकोनॉमी में बूम आ गया है, हाँ सही लग रहा है ना ऐसा, आप लोगों को क्या लगता है शेयर मार्केट की तरफ जब भी कोई देखता है उसको लगेगा कि इकोनॉमी में बूम आ गया है, भयंकर मूवमेंट, आप लोगों को क्या लगता है करंट इकोनॉमी बूम है या करंट इकोनॉमी नॉर्मल है या करंट इकोनॉमी रिसेशन वाला है, बोलो सर क्या लगता है, इट्स अ बूम, इट्स अ नॉर्मल, या फिर इट्स अ रिसेशन, क्या बोले हो, क्या बोलोगे बोलो सर, आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं,
मैं आपको पूछा कि करेंट इकोनॉमी सिचुएशन, सेंसेक्स को देखो, निफ्टी को देखो। सेंसेक्स निफ्टी इसलिए दिखाया बिकॉज इट्स जस्ट अ इकोनॉमी का मिरर है ना, हमारे मतलब देश का स्टॉक मार्केट इज अ मिरर ऑफ आवर इकोनॉमी। ऐसे स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी में बूम आ गया है, मतलब इस तरह का, मतलब जिस तरह से ग्रोथ दे रहा है स्टॉक मार्केट, सीरियसली मतलब बड़ा ही, कभी कभी मुझे चिंता भी होता है क्या जितना ग्रोथ दे रहा है क्या इतना ग्रोथ होना चाहिए, या फिर ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा ही वैल्यूएशन है। मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएशन है, इतना नहीं होना चाहिए। फिर भी आप बताओ सर, सभी को पूछ रहा हूँ, प्रिया, ज्योति, रोशनी, विशाल, मौसमी, आप लोगों को क्या फील होता है कि करेंट इकोनॉमी बूम है, रिसेशन है, या फिर नॉर्मल है? क्या लगता है? जस्ट ओपिनियन मांग रहा हूँ आप लोगों का, कुछ बोलोगे कि नहीं? बूम में है बूम। अच्छा, विशाल को बूम लगता है, रोशनी रिसेशन? रिसेशन। रिसेशन, मंदा चल रहा है। अच्छा, प्रिया, ज्योति, आप लोग भी बताओ, मौसमी, करेंट इकोनॉमी बूम, रिसेशन, नॉर्मल? रिसेशन। रिसेशन, ज्योति को भी रिसेशन लगता है। ओवरऑल बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, ऐसे सेक्टर वाइज देखोगे तो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग रिजल्ट निकल सकता है, बट ओवरऑल रिसेशन दो आया, एक बूम आया। बाकी प्रियान, मौसमी, आप लोग भी कुछ बताओ सर, क्या फीलिंग है आप लोगों का, सुनते हैं थोड़ा। मौसमी बोल, बूम या रिसेशन? प्रिया, प्रिया का आवाज़ नहीं आ रहा है मुझे, हाँ सर, बोलो, इकोनॉमी बूम है कि रिसेशन है कि नॉर्मल है करेंट लेवल में, जो भी फील करते हो, आपको जो लगता है कि करेंट इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी बूम है, बूमिंग सिचुएशन जा रहा है, रिसेशन सिचुएशन में है, या फिर नॉर्मल सिचुएशन में है, व्हाट डू यू फील? बोलो सर, बोलो, जो भी फील कर रहे हो बोलो ना। सर अभी तो फिलहाल नॉर्मल ही है। नॉर्मल है? हाँ, अच्छा चलो देखते हैं, सब सबका देखो, एक नॉर्मल आया, एक बूम आया, और दो रिसेशन आया। सिर्फ मौसमी कुछ नहीं बताया, मौसमी कुछ बताएगा कि नहीं बताएगा? करंट इकोनॉमी बूम है, नॉर्मल है, रिसेशन है, बोल। रिसेशन। रिसेशन, अच्छा, मंदा चल रहा है। अच्छा देखते हैं सर, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, वर्ल्ड वाइड जो बड़े बड़े रेटिंग कंपनीज हैं वो फाइनेंशियल एरिया में रिसर्च करते हैं, रेटिंग प्रोवाइड करते हैं, उनका क्या मानना है? ठीक है, मैं विकिपीडिया का सोर्स यूज़ कर रहा हूँ, जो ये सब मैटर में न्यूट्रल विचार करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से नहीं है। ऐसे अगर मैं आपको रिसेंट सिचुएशन शो करूँ, इंडिया का इन्फ्लेशन सिचुएशन काफ़ी बेहतर हुआ है सर। इन्फ्लेशन रिसेंट मंथ में, मतलब ये जो रिसेंट मंथ है उसमें 4.35%, इट्स अ गुड सिचुएशन। अगर मैं आपको इकोनॉमी के बारे में बताऊं तो इसमें आपको कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, जस्ट मैंने थोड़ा जल्दी निकल जा रहा है भाई, धीरे चलो। क्रेडिट रेटिंग देखो सर, ये कुछ कंपनीज है जिन्होंने रेटिंग दिया है, ठीक है, रेटिंग के हिसाब से स्टैंडर्ड एंड पोर, ठीक है, जो बहुत ही फेमस कंपनी है सर, अपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बिल्ड करता है ही, ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को भी यही चलाते हैं, मतलब इनका जो भी मैकेनिकल मैटर है स्टैंडर्ड एंड पोर कंपनी करता है। स्टैंडर्ड एंड पोर मतलब ये एक कंपनी का नाम है। तो ये BBB रेटिंग दे के रखा है और इकोनॉमी को स्टेबल मतलब नॉर्मल बता रहा है। मूडीज जो वन ऑफ दी मोस्ट क्रिटिकल एक रेटिंग कंपनीज है, इनका बोलना बहुत अहमियत रखता है मार्केट में, ये Baa3 रेटिंग दिया है और आउटलुक करेंटली नेगेटिव बता के रखा है। फिच, ये भी वन ऑफ दी फेमस है, इनका मानना है नेगेटिव। और DBRS, ये भी एक फेमस कंपनी है, इसका आउटलुक है पॉजिटिव। मतलब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, क्लास में ठीक जिस तरह का ओपिनियन मिला है, यहाँ पर भी वही कोइंसिडेंसली हो गया।
एक पॉजिटिव मिला विशाल से, दो रिसेशन मिला, या दो या तीन, दो रिसेशन, मोस्ट प्रॉब्ली ज्योति, रोशनी एंड मौसमी। रिसेशन मतलब नेगेटिव बताया, और एक सॉरी स्टेबल बताया प्रिया ने, सॉरी स्टेबल बताया प्रिया ने, विशाल बताया पॉजिटिव, मतलब बूल बूम। ठीक है, तो देखो सर, नॉट जस्ट आप लोग, मार्केट में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इकोनॉमी के बारे में डिफरेंट अप्रोच रख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे आप पूछोगे सर आपका ओपिनियन भी बताओ, तो सर मेरे हिसाब से इकोनॉमी स्टेबल है और स्टेबल से बूम की तरफ जा रहा है, ये मेरा मानना है कि टुवर्ड्स बूम नॉट टुवर्ड्स रिसेशन। मतलब इसका जो करेंट मूवमेंट है वो मूवमेंट टुवर्ड्स बूम है, मैं बूम तो नहीं कह सकता बट स्टेबल से बूम की तरफ है, मतलब इसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। मतलब आई एम विद दिस पर्टिकुलर कंपनी DBRS, ठीक है, इसका जो सोच है मेरा भी सोच कुछ इसी तरह है। ठीक है, कि इंडियन इकोनॉमी इट्स करेंटली पॉजिटिव सिनारियो में है, मेरे को ऐसा लगता है सर। ठीक है, और जितना समय जाएगा और पॉजिटिव ही बनता जाएगा। ठीक है, मेरा मेरे को पूरा भरोसा है इसमें। लेकिन दो कंपनीज ऐसे भी है जो नेगेटिव भी सोचता है, ऐसा भी है। ठीक है, जी इंडियन इकोनॉमी नेगेटिव हालत में। अब पैरामीटर इसका बहुत सारा चीज़ें हैं सर, एक पैरामीटर नहीं है इसका। ठीक है, बट ये डिपेंड करता है मैन टू मैन, मतलब एक्चुअली मैन टू मैन बात नहीं, यहाँ पर मन मर्जी नहीं है, सब कुछ पैरामीटर के हिसाब से यहाँ पर बात हुआ है। और तो मैं अभी आपको रेटिंग नहीं सिखा सकता करेंटली, रेटिंग कैसे दिया गया है सर। ठीक है, बस इतना बता सकता हूँ कि कंपनी किस तरह से रेटिंग करता है और आपको उसका डिटेल्स पता चलता है। ठीक है, ऐसे नॉट जस्ट इकोनॉमी के बारे में, इवन आप कंपनी का भी रेटिंग देखोगे, मार्केट में जो कंपनीज बिजनेस करते हैं ना उनका भी रेटिंग आता है कि कंपनी के बारे में एजेंसीज का क्या ख्याल है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट सर। ठीक है, तो इसीलिए मैं ना तो किसी को सही बोल सकता और ना ही किसी को गलत बोल सकता। ठीक है, क्योंकि मार्केट में इतना बड़ा बड़ा रेटिंग कंपनीज, उनका ओपिनियन डिफरेंट आ रहा है, तो आपको मैं गलत या सही कैसे बताऊं। ठीक है, ना आप गलत हो, ना मैं गलत, ना आप सही, ना मैं सही। ठीक है, इट्स जस्ट अ ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, इसको क्या बोलेंगे सर, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। ओके सर, तो ट्रेंड ऐसा है, तो जो भी हो हम लोग अभी तीनों सिनारियो देखेंगे। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द थ्री सिनारियो। अभी सिनारियो में रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस तरह से फाइनेंस मैनेजर को हेल्प करता है या सपोर्ट करता है, आप देखो। तो इकोनॉमी एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक बूम, इकोनॉमिक बूम इज काइंड ऑफ जैसे कि चाइना कुछ साल पहले, मतलब तो 4 5 7 साल पहले चाइना का जो सिनारियो था, कुछ 20 30 साल पहले यूरोप में जैसा हुआ था। ठीक है, इकोनॉमिक बूम वो लोग एक्सपीरियंस किया था, इवन लास्ट 100 ईयर्स में यूरोप सीरियसली इकोनॉमिक बूम देखा है, बट करेंटली यूरोप में वो वाला बूम नहीं है जो पहले यूरोप देखा था। ठीक है, यूएस ने जिस तरह का बूम देखा है, अभी भी चल रहा है यूएस में, अभी भी बूमिंग सिचुएशन है। तो इकोनॉमी एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक बूम, मतलब इकोनॉमिक लेवल में सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। जैसा जैसा लेवल में पहुंचना चाहता था एक लेवल में पहुंचा है, शिखर में पहुंचा है। जैसे कि इकोनॉमी का एक साइकिल होता है ना सर, ऐसे इसको बोलते हैं ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ फेज, ग्रोथ से होता है बूम, फिर होता है डिक्लाइन। ठीक है, और उसके मतलब जैसे डिक्लाइन का एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में आ जाता है रिसेशन, मतलब एक्चुअली ये डिक्लाइन तभी होता है जब रिसेशन होता है, मंदी, और उसके बाद तो ये डिप्रेशन में चले जाते हैं सर। किसको किस पे चले जाते हैं, डिप्रेशन में। जैसे हम लोग जाते हैं ना कभी कभी, मन खराब हो जाते हैं हम लोगों का, डिप्रेस हो जाते हैं, इकोनॉमी भी डिप्रेस हो जाते हैं, मार्केट में हाहाकार मच जाता है। ठीक है, चाहे वो रीजन बहुत कुछ हो सकता है, जैसे करंट कोरोना काल में हुआ था, इतना सारा लोगों का जॉब चला गया था, सीरियसली बहुत खतरनाक था। उसके बाद इकोनॉमी काफी रिकवर किया है सर, काफी रिकवर किया है, जिस रेट में डिक्लाइन हुआ था उससे डबल रेट में इकोनॉमी रिकवर किया है, मजाक नहीं है सर, सीरियसली। जिस रेट में गिरा था उससे डबल रेट में ग्रोथ किया है करेंटली, अभी भी तो यही दिख रहा है। ठीक है, तो ये कोरोना एक डिफरेंट सिचुएशन है, बट अगर ओवरऑल इकोनॉमी सिचुएशन देखिए, जैसे 2008 में हुआ था यूएस का जो फाइनेंशियल कंपनीज का फॉल होना, यूएस का जो आरबीआई था, मतलब यूएस का जो फेडरल है, फेडरल का फॉल होना, वो एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। देखा क्या किसी ने मूवी, यूएस ग्लोबल का जो फॉल हुआ था लेमन ब्रदर्स का, उसके ऊपर बहुत सारा मूवीज है, किसी ने देखा आप लोगों में से? हाँ सर,
अगर देखा है तो बहुत अच्छा, नहीं देखा तो ज़रूर देखना, ठीक है? तो मूवीज़ का नाम तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट कुछ मार्केट के ऊपर ही कुछ मूवीज़ हैं। आप सर्च करोगे ना गूगल में, आपको दिखा देगा, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या था। देख सकते हो, ऐसे मूवीज़ आपको हेल्प करता है, इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे क्रिएट होता है आपको बड़ा हेल्प करता है, आपका अकाउंटिंग फाइनेंस का दिमाग में बहुत कुछ देता है। तो इकोनॉमी एक्सपीरियंस इन इकोनॉमिक बूम एंड, चलो सर फैक्ट्स बहुत देख लिए, अब सम्स बताते हैं। ROI हैपेंस टू बी ट्वेंटी%। सर मैटर को समझो, इकोनॉमी एक्सपीरियंस इन इकोनॉमिक बूम एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हैपेंस टू बी 20%। अगर सिचुएशन बूम है तो फिर रिटर्न अच्छा खासा मिलेगा ना, तो 20% माने, एंड 20% इज अ वेरी स्टैंडर्ड रिटर्न सर, वेरी स्टैंडर्ड रिटर्न। 100 रुपीज इन्वेस्ट करके 20 रुपीज कमाना, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड। तो हैपेंस टू बी 20%। कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर ईच फार्म। ईच फार्म मतलब अंबुजा और अल्ट्राटेक। क्या कहते हो बताओ सर? यहाँ पर हमारे मतलब कॉन्सेप्ट में जो अंबुजा है वो ऑनली वर्ड है, मतलब अंबुजा का कोई लोन नहीं है, और अल्ट्राटेक जो है उसका डेब्ट इक्विटी रेशियो है 0.5, मतलब उसका लोन है, ठीक है? मार्केट में टैक्स है 30% का, इंटरेस्ट रेट है 12% का, ठीक है? और इकोनॉमी बूम है अभी, 20% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। दे जस्ट आस्क यू इन क्वेश्चन कि फाइंड आउट दी रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर अंबुजा एज वेल एज अल्ट्राटेक। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अंबुजा इज लीव अनलीवर्ड फार्म एंड अल्ट्राटेक इज अ लीवर्ड फार्म। जिसका रिस्क है वो लीवर्ड फार्म होता है, जिसका रिस्क नहीं होता वो अनलीवर्ड होता है। बोलो सर क्या जवाब मिलेगा मुझे? अंबुजा, तो अंबुजा का रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे कैलकुलेट करोगे? डेब्ट बाय इक्विटी रेशियो क्या है इसका? अरे अंबुजा का डेब्ट इक्विटी रेशियो 0, तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या हो जाएगा इसका? इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है सर, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इनटू 1 माइनस टी, बिकॉज इसका कुछ और है नहीं, तो इन्वेस्टमेंट कितना है 20% का, टैक्स कितना है 1 माइनस 0.3, सो 1 माइनस 0.3 मतलब 0.7, तो 20 × 0.7 कितना हो रहा है सर? 14%। समझ में आया सर? ये अंबुजा का रिटर्न ऑन इक्विटी है सर, ये रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ अंबुजा है। अंबुजा का मार्केट में कोई लोन करेंटली है नहीं, ठीक है? अब सामने आता है फार्म बी, मतलब अल्ट्राटेक। इसका देखो रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिवर्ड है तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा दिख जाएगा ना सर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस, सॉरी ये फॉर्मूला मैं पहले ही आप लोगों को लिखा के रखा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस ROI माइनस इंटरेस्ट इंटू डी बाई ई, मतलब डेब्ट बाई इक्विटी इंटू 1 माइनस टी, ये रहेगा फॉर्मूला। सो बता सकते हो सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? 20, 20 एंड 20 प्लस ROI कितना? 20 माइनस इंटरेस्ट कितना सर? इंटरेस्ट इज 12 ना, 12% इंटरेस्ट है, देखो 12% इंटरेस्ट है दिस वन। सो 12 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 12 इंटू डेब्ट बाई इक्विटी इज अ 0.5, रेशियो दे के रखा आपको 0.5 इंटू 1 माइनस टी, तो 1 माइनस टी मतलब 1 माइनस 30%, तो 0.7 मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर। बोलो सर कितना आया, कितना आएगा रे? 20 प्लस 20 माइनस 12 मतलब 8, 8 इंटू 0.5 मतलब 4, तो 20 प्लस 4 इंटू 7 कितना? 16.8 16.8%, ठीक है?
ये रहा आपका दोनों अलग अलग बिजनेस का रिटर्न ऑन इक्विटी। देखो सर, अंबुजा जो था हमारे एग्जाम्पल में, इसका कोई डेप्ट इक्विटी है नहीं, सॉरी मतलब डेप्ट कुछ है नहीं, सिंपल बात है, तो इसलिए डेप्ट इक्विटी रेशियो कुछ बनेगा नहीं, है ना, बिकॉज जितना है सब इक्विटी है, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो इज जीरो, बिकॉज इसका कोई मार्केट में लोन नहीं है, ठीक है। तो जितना कमाएगा, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% है, तो बाकी टैक्स देके जितना रहेगा दैट इज 14%। पर जब बात आ जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब इक्विटी जब अल्ट्राटेक का, तो उसका मार्केट में लोन है और डेप्ट इक्विटी रेशियो इज 0.5। आप एक चीज़ ख्याल किए, रिटर्न ऑन इक्विटी इसमें 16.8 रहा, मतलब इक्विटी को ज़्यादा रिटर्न मिला कंपेयर टू अंबुजा। अंबुजा का रिस्क नहीं था, उसका इक्विटी रिटर्न कम था, इसका रिस्क था, इसका इक्विटी रिटर्न ज़्यादा रहा। कुछ समझ में आ रहा है सर? बोलो। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है? मैं आपको रियल लाइफ भी कुछ ऐसे एग्जांपल अभी प्रोवाइड, मतलब अभी दिखाऊंगा, आपको बड़ा मजा आएगा कि सर ऐसे रियल में किस तरह से आपको स्टॉक मार्केट लेवल में इन्वेस्ट करके भी आपको बहुत मजा आएगा। इट्स अ रियल फंडामेंटल एनालिसिस सर। एक्चुअली देखो, स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस जो लोग पढ़ते हैं उनको भी मैं सारा का सारा चीज़ बताता हूँ, बट फाइनेंस का जो हार्डकोर एरिया है ना, वहाँ पर मतलब स्टॉक मार्केट क्लास में फाइनेंस का हार्डकोर एरिया बताना मुश्किल हो जाता है। तब तो मैं तो फिर कोई किसी को तो मैं अगर बोलूँगा कि भाई 1 साल से फाइनेंस मतलब ये पढ़ो, सब कोई तो CA CSE में पढ़ता नहीं है, लेकिन सर दीज आर एक्चुअली दी फंडामेंटल एरिया कंपनी का, मतलब वन ऑफ दी, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस में आप लोग जो पढ़े वो तो है ही, बट ये और हार्डकोर एरिया है जो फाइनेंस को भी समझता है, ठीक है। लेकिन सब कुछ स्टॉक मार्केट फंडामेंटल में कवर करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो हार्डकोर फाइनेंस का पार्ट है ना, तो मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर समझ लो आप लोग। अच्छा, लेकिन जो लोग स्टॉक मार्केट नहीं करते हो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप करो, बट इतना ज़रूर बोलूंगा कि अगर आप फाइनेंशियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, मार्केट में जॉब करोगे, कंपनी का फाइनेंस देखोगे, तो मैं इतना आपको ज़रूर बोलूंगा कि आप ज़रूर स्टॉक मतलब स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड हो जाओ। जैसे आज ही एक स्टूडेंट से मेरा बात हो रहा था, उसका ग्रेजुएशन तो हो चुका है ऑब्वियसली, वो एक्चुअली एक क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट ऑफ सेलिंग का कुछ एक होता है ना बैंक का, मतलब आप लोग जानते हो ना सर, बैंक वगैरह लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू से मतलब क्या बोलते हैं उसको, CSP या कुछ बोलते हैं, कस्टमर सर्विस पॉइंट, मतलब आपको बैंक जाने का ज़रूरत नहीं है, आप घर के आसपास में उस पर्टिकुलर बैंक ब्रांच में, ब्रांच का एक कियोस्क टाइप होता है जहाँ पर विजिट करके आप बैंक का सारा सुविधा ले सकते हो, लाइक पैसा जमा करना, पैसा विदड्रॉल करना, लोन लेने के लिए फॉर्म सबमिट करना, लोन सैंक्शन करना, ऐसा होता है ना सर? अरे सुने कि नहीं सुने, क्या बोलते हैं उसको, कस्टमर सर्विस पॉइंट मोस्ट प्रॉबली, सुने कि नहीं सुने आप लोग? ऐसा SBI का होता है, HDFC का होता है, बहुत सारे सभी बैंक का ऑलमोस्ट होता है। तो मेरा एक स्टूडेंट है, तो वो एक्चुअली अप्लाई किया था, तो पहले काफ़ी सारा बैंक उसको रिजेक्ट कर दिया, फिर आज मेरे को फ़ोन किया था कि वो एक बैंक में अप्लाई किया था, मोस्ट प्रॉबली बैंक ऑफ इंडिया एंड इलाहाबाद बैंक ऐसा कुछ बात कर रहा था, तो उसको बैंक का मैनेजर उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया था, तो उसका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है वो बोला कि सबमिट करो, तो उसको मेनली इंटरव्यू में पूछ रहा था कि आपको मतलब फाइनेंशियल एरिया में क्या नॉलेज है, ठीक है। तो उसने सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वो स्टॉक मार्केट का पढ़ाई किया है, ठीक है, दूसरा BCom किया है विथ नॉलेज, ठीक है, मार्क्स बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, 50% से ज़्यादा है, नॉट फर्स्ट क्लास, ठीक है, फर्स्ट क्लास नहीं है, बट हाँ मोर देन 50% मार्क्स है उसका, बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उसका मार्केट का नॉलेज है, ठीक है। तो जो इंटरव्यू में उसको पूछ रहा था ना, वो जैसे उसको वो बोला कि मैं स्टॉक मार्केट में लास्ट 4-5 साल से काम कर रहा हूँ, तो वो तो उसको डायरेक्ट पूछा कि किसी का पोर्टफोलियो बना के दिया, ठीक है, मतलब कोई स्टॉक का पोर्टफोलियो है आपके पास, तो वो संगे संग उसको दिखाया, तो जैसे ही दिखाया तो मैनेजर को दिमाग में फील हो रहा है, मतलब जो बैंक मैनेजर है उसको समझ में आ रहा है कि हाँ बंदे को पता है, मतलब ऐसे लोग ही तो बैंक को चाहिए ना जो एक्चुअली मतलब बैंक का फाइनेंस में हेल्प कर सकता है, तो कस्टमर सर्विस मतलब जो पॉइंट है वहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है, लोगों को समझा सकता है, म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ कनेक्ट कर सकता है, डीमैट स्कीम के साथ कनेक्ट कर सकता है, ये सब बैंक का बिजनेस है। तो आज उसने इंटरव्यू दिया, से उसी दिन जिस दिन इंटरव्यू दिया उसी दिन शाम को, मतलब शाम को मैनेजर फिर से उसको फ़ोन किया, बोला फिर से एक बार ब्रांच में आओ, फिर से वो और बोला कि आपका कुछ सर्टिफिकेट रिजल्ट जो भी है वो सब लेके आओ, बिकॉज कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, संगे संग उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया और अपॉइंटमेंट में ये बताया कि अभी अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं है क्योंकि वो तो मैनेजर अपने ब्रांच में बुला के इंटरव्यू किया,
अभी उसको भेज रहा है बैंक ऑफ इंडिया का जो ईस्टर्न जोनल हेडक्वार्टर है वहां पर उसका एक जस्ट फॉर्मेलिटीज होगा। वो बोला कि आपका फिक्स है, बस एक फॉर्मेलिटीज के लिए आपको भेजूंगा, तो आप कर लो, तो आपका जो लाइसेंस है वो पक्का हो जाएगा, फिर आप इंडिपेंडेंटली काम करो। समझ में कुछ आ रहा है सर? हाँ, आप देखो सर, डिग्री ये सब साइड में है, डिग्री तो जस्ट एक बहाना है, बहाना तो नॉलेज का होना चाहिए। मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था सर, बट उसका ना मतलब चीज़ों को सीखने का बड़ा इच्छा था। इंग्लिश भी कुछ खास बोल नहीं पाता, नॉर्मल है, जस्ट मतलब वैसे नॉट फ्लुएंट, समझ लेता है, थोड़ा बहुत टूटा फूटा बोल लेता है, बट उसका कम्युनिकेशन पावर अच्छा है लोगों के साथ, वो कनेक्ट कर लेता है। सबसे बड़ा चीज़ फाइनेंस समझते हैं, लोगों को फाइनेंस समझा सकता है, बिजनेस के मैटर में नॉलेज रखता है, हेल्प करता है। तो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं सर, और सिर्फ डिग्री के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो, आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, मैनेजर खुद आके आपको उठा के लेके जाएगा। मतलब चाहे कोई भी कंपनी हो, कोई भी बैंक हो, जिसको जॉब का जरूरत है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, सुन लो सर, सुन लो, बहुत काम आएगा। मैंने ऐसा बहुत स्टूडेंट को देखा सर, मतलब जिनका जो शायद पढ़ाई नहीं होता, उनका 12th के बाद पढ़ लिया बहुत है, वो लोग ही सक्सेस बन रहा है, और जो बहुत हाई फाई पढ़ाई में था, उनको अभी भी मैं देखता हूँ, मतलब घसीट रहा है सर। मतलब जो सिर्फ पढ़ाई करता था, उसके जिंदगी में और कुछ नहीं था, और जो लोग सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ मतलब एडुकेशन के साथ साथ बाकी हर चीज करता था, उन लोगों का बोलबाला है। और जो सिर्फ पढ़ना है, डिग्री लेना है, ये करना है, वो करना है, कॉम्पिटिटिव करना है, ये जॉब के लिए जाना है, उसके लिए जाना है, वो लोग अभी भी पढ़े ही जा रहा है, एज भी बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी उनका बढ़ रहा है, कभी नॉलेज के पीछे नहीं भागा, सिर्फ डिग्री कोर्स गलत है। तो जस्ट मैं आज ही सुबह बात हो रहा था, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर किया। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा हुआ कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया उसने, और बैंक भी उसको दे रहा है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सर समझ में कुछ आया आप लोगों को, मैं कहानी क्यों बताया आपको, बना बनाया थोड़ी है सर, सुबह की कहानी है, मतलब रियल कहानी है, इसलिए शेयर किया आपको। अच्छा, ये तो था सिनेरियो 1, सिनेरियो 2 पे चले? चलो सर, आप लेके जाओगे तो हम मना थोड़ी कर सकते हैं। तो 3 इडियट्स का एक डायलॉग हमें मेरे को ना हमेशा याद रहता है, बोलता है कि कामयाबी के पीछे मत भागो, भागना है तो एक्सेलेंस के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आ जाएगी। एक चीज मैंने यहां पर लिखना भूल गया, क्या भूले बोलो तो, इसका एक कंक्लूजन होगा सर। एक चीज मेरे को बताओगे इस पहला सिनारियो में, कि इस केस में डेब्ट जो है मतलब लोन, अच्छा है कि बुरा? बोलो सर बोलो, डेब्ट अच्छा है कि बुरा है सिनारियो 1 में? क्या सर, डेब्ट इज गुड और बैड, क्या लग रहा है बताओ ना। देखो ये कनेक्टेड हो कि नहीं, किसी का भी आवाज मुझे नहीं मिल रहा है। इन द फर्स्ट सिनारियो डेब्ट इज गुड और बैड? अरे रोशनी, ज्योति, क्या आप लोगों को जी सुना? हाँ बोलो सर बोलो। हाँ सिनेरियो 1 में अंबुजा सीमेंट का डेप्थ ही तो नहीं है। हाँ तो मतलब कहने का मतलब है कि जिसने डेब्ट लिया उसका अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ जिसने डेब्ट लिया उसका अच्छा नहीं हुआ? सर, डेप्थ लेने के बाद भी फर्म बी का रिटर्न ऑन इक्विटी फर्म ए का रिटर्न ऑन इक्विटी से ज्यादा है। हाँ तो रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा होना अच्छा है कि नहीं है? हाँ अच्छा है। हाँ तो फिर जिसने डेब्ट लिया उसी का तो रिटर्न हुआ, मतलब उसका ही तो अच्छा हुआ। अंबुजा ने डेब्ट नहीं लिया तो अंबुजा का रिटर्न कम रहा, बट अल्ट्राटेक ने डेब्ट लिया इसलिए अल्ट्राटेक का रिटर्न ज्यादा है। सो डेब्ट इज गुड और बैड? नहीं समझ में आ गुड रहा है। डेब्ट इज गुड, यस, इन दिस सिनेरियो डेब्ट इज गुड। अल्ट्राटेक ने लोन लिया, अल्ट्राटेक इक्विटी का रिटर्न भी ज्यादा दे रहा है, अंबुजा ने डेब्ट नहीं लिया
अंबुजा का रिटर्न भी कम है, सो डेप्ट इज गुड हियर। तो इसमें सिनेरियो वन में जो एनालिसिस है वो देख लो। सिनेरियो वन का कंक्लूजन, डेप्ट इज गुड प्रोवाइडेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन इंटरेस्ट। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिटर्न करके इतना इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाओ ताकि इंटरेस्ट से ज्यादा कमाओ, ठीक है। अगर ये हो तो डेप्ट इज ओके, ठीक है। ओके नेक्स्ट, दूसरा सिनारियो। सिनारियो टू, द इकोनॉमी एक्सपीरियंस रिसेशन। चलो जो रिसेशन पार्टी थे अब उनका एग्जाम्पल आ रहा है। इकोनॉमी एक्सपीरियंस रिसेशन मतलब कोरोना का फर्स्ट पीरियड या फिर सेकेंड पीरियड, ठीक है। द इकोनॉमी एक्सपीरियंस अ रिसेशन एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ओनली 10%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10%। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओगे सर आप लोग, सिनारियो वन में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था और इंटरेस्ट रेट कितना था? एनी वन? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था और इंटरेस्ट रेट कितना था? ROI 20%, और इंटरेस्ट 30%, भाई, इंटरेस्ट 12%, 30% का सॉरी 12%। है ना, 12% था। तो देखो ये सिचुएशन होना जरूरी है तभी अच्छा है ना। डेप्ट डेप्ट इज गुड बट ROI शुड बी ग्रेटर देन इंटरेस्ट। नाउ इकोनॉमी जब रिसेशन में होगा तब इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न ज्यादा कमाओगे कि कम कमाओगे? रिसेशन है मतलब मंदी है, मंदा है, जो भी बोलो। बांग्लाते हमारा बोली मंदा चलछे, हिंदी में बोलते हैं मंदी का बाजार है ना, ऐसे बोलते हैं। हिंदी में मंदी बोलते हैं, बंगाली में मौंदा बोलते हैं, जो भी हो। आई होप यू अंडरस्टैंड, एवरीथिंग इज फ्रॉम संस्कृत वर्ड। तो द इकोनॉमी एक्सपीरियंस रिसेशन एंड ROI इज ओनली 10%। ओके सो फार्म ए का ROE बताओ, मतलब अंबुजा का। अंबुजा का रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होगा? इसका डेब्ट इक्विटी क्या है? जीरो है। इकोनॉमी रिसेशन में है, आर ओ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर? ROI इंटू वन माइनस टी, ठीक है। डेब्ट तो है नहीं, सो बड़ा सिंपल है, 10 × 0.7 दिस इज 7%। अपोजिट में अल्ट्राटेक का क्या होगा? डी बाई ई कितना है? 0.5। देयर फॉर आर ओ ई कितना है? ROI प्लस ROI माइनस इंटरेस्ट इंटू डी बाई ई इंटू वन माइनस टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? और ROI कितना है? ROI इज 10। ROI इज 10 प्लस 10 माइनस इंटरेस्ट इज 12 इंटू डी बाई ई 0.5 इंटू वन माइनस टी मतलब 0.7। कितना आया सर बोलो? ROE कितना? रिटर्न ऑन इक्विटी 6.3। 6.3। क्या बोलते हो? इसका सिचुएशन देखो, इसका सिचुएशन देखो। इसका डेब्ट नहीं है, 7% इक्विटी का है। इसका डेब्ट है, इक्विटी का 6.3 है। मार्केट टू सब्जेक्ट रिस्क बताते रहते हैं ना हमेशा, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हाँ ये है सब्जेक्ट टू, यही है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क।
ये जो आप देखते हो ना म्यूचुअल फंड में, जो आप कभी रिटर्न अच्छा देता है कभी रिटर्न खराब देता है, नॉट जस्ट म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट तो है ही, स्टॉक मार्केट तो वोलेटिलिटी में बहुत ज़्यादा है, म्यूचुअल फंड भी मार्केट में इन्वेस्ट करता है, बट क्योंकि म्यूचुअल फंड डेब्ट इक्विटी बैलेंस करके करता है तो वो थोड़ा बहुत बैलेंस रहता है, ठीक है। बट वही कभी आपको 7%, 8%, 10% रिटर्न देता है, कभी आपको 6% रिटर्न देता है, डिपेंड, यही है सिचुएशन क्रिएट होता है, रिसेशन में क्या होगा, बूम में क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोलोगे, डेब्ट इज गुड और बैड? बैट एकदम। तो जब मार्केट में मंदा है या मंदी है, डेब्ट इज बैड। तो एज ए बिजनेसमैन या एज ए एंटरप्रेन्योर, ये आपका एक बहुत बड़ा डिसीजन है कि आप कब लोन ले रहे हो। जब आप लोन ले रहे हो या जब आपको लोन का इंटरेस्ट रिपे करना है, क्या उस टाइम पे अगर आपका मार्केट खराब चल जाए फिर सब बैड डिसीजंस टू टेक ए लोन, बट अगर आपका बिजनेस अच्छा चल जाए इट्स अ वेरी गुड डिसीजन टू टेक ए लोन, ठीक है। सो डेब्ट इज बैड इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेस देन इंटरेस्ट, जो इस केस में हुआ है, इंटरेस्ट इज 20, इन्वेस्टमेंट इज, सॉरी गलत बोल दिया, इन्वेस्टमेंट इज 10 और इंटरेस्ट इज 12, सो नॉट अ गुड सिचुएशन टू टेक अ लोन, मतलब डेब्ट क्रिएट का मतलब लेने का लिए सिचुएशन एकदम ऑपोजिट है, ठीक है। ले ही नहीं था, मतलब डेब्ट के लिए नहीं जाना चाहिए था फार्म को, बट अगर ले लिया तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा, है ना, मतलब मैनेज करने के लिए कहीं पर कॉस्ट कट करना है, प्रोडक्शन कट करना है, ले ऑफ करना है, कुछ तो एडजस्टमेंट करना है। ऐसे सिचुएशंस में ज़्यादा दिन तक अगर सेम कंडीशंस रहेगा तो मुश्किल है, अगर आपका अर्निंग कम हो जाए और खर्चा बढ़ जाए तो आपको मैनेज तो करना होगा। तो प्योर फाइनेंसिंग सिचुएशंस, फाइनेंस कंट्रोल बोलेंगे ना उसको, ओके। मतलब अगर आपका अर्निंग कम हो जाए तो आप खर्चा कम करोगे कि नहीं, सिंपल है ना। नहीं आप बोलोगे नहीं मैं जैसा जीता था वैसा ही जीऊंगा, ठीक है, लग्जरी कार चाहिए, लग्जरी घर चाहिए, बिना एसी का नहीं रह सकता, हाँ बिना रेस्टोरेंट खाने का मेरा मन नहीं भरता, हाँ ऐसा थोड़ी होता है। जब आपका अर्निंग कम हो जाए तो आपको समझौता करना पड़ेगा, यू हैव टू एडजस्ट विद द सिचुएशन, यू हैव टू कोप अप। कोप अप सबको करना पड़ता है सर, बड़े बड़े हस्ती हैं, अनिल अंबानी एक टाइम पे मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा नेटवर्थ था उसका, आज मुकेश अंबानी इंडिया का रिचेस्ट है, बट अनिल अंबानी इंडिया का, मतलब क्या बोलूँ सर, पोरेस्ट तो बोलना नहीं चाहिए, बट अगर मिलीनियर का लिस्ट या बिलीनियर के लिस्ट में देखो तो अनिल अंबानी डे टू डे मतलब बैंकरप्टेड, बैंकरप्सी सिचुएशंस में चल रहा है उसका। तो फाइनेंस को कंट्रोल नहीं कर पाया, मैनेज नहीं कर पाया। विजय माल्या को देखो, किंगफिशर एयरलाइंस में क्या हालत बनाया, हाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 30,000 करोड़ का लोन लिया था, कैसे चलाया फ्लाइट का बिजनेस, एयरप्लेन बिजनेस चला ही नहीं पाया। मतलब सिर्फ रुतबा दिखा के नहीं होता है कि भाई देखो मैं क्या दिया तुमको सस्ते में बहुत अच्छा चीज़, ऐसा नहीं होता, यू हैव टू मैनेज। बिग बाजार को देखो, फ्यूचर रिटेल को, हाँ किशोर बियानी आज तो वो अमेजोन और बिग बाजार के बीच में बांट रहा है, ठीक है, अमेजोन और रिलायंस के बीच में फ्यूचर ग्रुप बिग बाजार एक पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी उधर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, यू ऑल नो दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, इट्स ऑल अबाउट फाइनेंस कंट्रोल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट संभाल नहीं पाए। ऑपोजिट में आप डी मार्ट को देखो, हाँ एक तरफ आपके सामने जैसे बिग बाजार का जो फ्यूचर ग्रुप है उसका जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सिमिलरली उसी दिन मैं एक्चुअली डिस्कस कर रहा था मैम के साथ कि एक बिग बाजार जो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाया, ठीक है, 25,000 30,000 करोड़ का मार्केट लोन लेके रिलायंस को बेच दिया, दूसरा तरफ है डी मार्ट, डी मार्ट सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस करता है, इसका स्टॉक का ग्रोथ देखो सर, पागल हो जाओगे। हाँ इवन इसके ऊपर केस स्टडीज भी था कुछ दिन पहले क्लास में, जब इसका स्टॉक प्राइस 2,500 चल रहा था, 2,500 2,600 चल रहा था, जस्ट 3 months back, आई नो आप लोगों में से कोई कोई था क्लास में, 2,500 से अभी 5,000 3 महीने में डबल, इट्स रियली पॉसिबल। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, इसका बिजनेस करने का तरीका कुछ तो बात अलग है ना, जो बिग बाजार नहीं कर पाया बट डीमार्ट करके दिखाया, सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस, सेम काइंड ऑफ बिजनेस रिस्क, बट ये करके दिखाया। इधर नहीं दिखता, साउथ साउथ इंडिया और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में इसका हाइपर मार्केट जो है मॉल सिस्टम चलता है, सो वेरी इंटरेस्टिंग सर। अब उल्टा साइड में फ्यूचर ग्रुप को देखो, अभी तो फ्यूचर बिग बाजार के पास है ही नहीं, मतलब बिग बाजार जो है वो फ्यूचर के पास अभी है नहीं, मतलब अभी तो वो कोर्ट केस में चला गया। लुक हियर, इसका बिजनेस देखो,
5 साल में, एक साल में ही देख लो, 1 साल उसका देखा, अब इसका 1 साल, उसका 1 साल, 5 साल दिखाऊंगा तो पागल हो जाते। उसका तो 300 से स्टार्ट हुआ था, 2017 से स्टॉक मार्केट में आया था। ये देखो स्टार्ट हुआ था, बूम हुआ था, अब देखो डिक्लाइन। ये है फ्यूचर का रिसेशन। कभी एक स्टॉक 600 का चलता था, अभी एक स्टॉक 50 का बिक रहा है सर। फ्यूचर रिटर्न जो बिग बाजार है बेसिकली, किशोर बियानी इसका कंपनी है सर। देख पा रहे हो सर आप लोग? बोलो, सब रियल लाइफ सिचुएशन है क्या रे? समझ कुछ आ रहा है कि नहीं? हेलो, समझ कुछ आ रहा है कि नहीं? बोलो सर। हाँ सर, क्लियर है सर। सो डेप्ट इज बैड इफ 10% सॉरी इफ ROI इज लेस देन इंटरेस्ट। ठीक है, आज तो ऐसे सिचुएशन है। मैं उस दिन बिग बाजार गया था, कुछ काम था उधर, कुछ लेने के लिए। तो मैं बिग बाजार में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे बात कर रहा था सर। मैं उनको पूछा कि क्या दादा, क्या लगता है क्या होगा? क्योंकि केस अभी भी कुछ सोल्यूशन नहीं पहुंचा सर, अभी भी कुछ सोल्यूशन नहीं आया। तो मैं उनसे बात कर रहा था कि दादा क्या लग रहा है, बोले क्या होगा, रिलायंस के पास ही रहेगा। हाँ, लेकिन इतना आसान नहीं है सर। अगर रिलायंस के पास ही होता तो फिर इतना दिन में तो रिलायंस ले ही लेता ना। क्या लगता है आप लोगों को? रिलायंस के पास तो है नहीं। 30,000 एम्प्लॉई है सर बिग बाजार का, 30,000 एम्प्लॉई। अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकला और अगर बाई चांस बिग बाजार को बंद करना पड़ा, ठीक है, तो मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो केस अभी भी पेंडिंग है ना, ये केस पेंडिंग है इसके चलते। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट बोल देता आप लोग फ्रेश डील करो, छोड़ दो। ठीक है, लेकिन ये सबसे बड़ा जो खेल हो गया वो है कि 30,000 एम्प्लॉय का क्या होगा? ऐसे चालू बिजनेस है। 2020 बिग बाजार वॉज एक्वायर्ड बाई रिलायंस रिटेल एंड रिटेल डिवीजन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, बट यहाँ पर 24,000 करोड़ में खरीदा था फ्यूचर ग्रुप का जो बिजनेस है। द एक्विजिशन इज बीइंग डिस्प्यूटेड इन सिंगापुर कोर्ट बाई अमेजन, विच इज साइटिंग ए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट प्रोहिबिटिंग डील्स विद रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट ऑफ कंपनीज। ठीक है, अमेजन ने केस कर दिया रिलायंस के अगेंस्ट में इस डीलिंग्स में। तो अमेजन का कहना है उसको लेना था। एक्चुअली कुछ और खेल है इसके ऊपर। मैंने लॉ के क्लास में एक केस स्टडीज किया, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं शेयर करूंगा। एक लॉ का क्लास था, उसमें मैंने फाउंडेशन का था मोस्ट ऑफ दी, वहाँ पर मैं इसका केस स्टडीज किया कि एक्चुअली बिग बाजार रिलायंस और इसके बीच में हुआ क्या है। ठीक है सर, सो दैट्स अ डिफरेंट सिनारियो, बट आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस सिनारियो। ओके, नेक्स्ट, तीसरा सिनारियो सर। द इकोनॉमी हैज नॉर्मल कंडीशन, द इकोनॉमी हैज अ नॉर्मल कंडीशन एंड ROI 12%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 12% है सर। ठीक है, सिमिलरली आपको बताना है सर अंबुजा का क्या होगा ROE एंड अल्ट्राटेक का क्या होगा ROE। बोलो सर, डेट बाई इक्विटी इसका 0 है, डेट बाई इक्विटी इसका 0.5 है। सेम कंडीशन, सेम कॉन्सेप्ट, बस चलते जाना है। देयरफॉर ROE इक्वल्स टू ROI इंटू 1 माइनस t। ROI इज 12%, 12 इंटू 1.7। दादा ROE 8.4। यस सर, अंबुजा का 8.4 और इसका 4G ROI प्लस ROI माइनस I इंटू D बाई E इंटू 1 माइनस t। ठीक है, सो ROI कितना हो गया? 12। ROI इज 12 प्लस 12 माइनस 12, इंटरेस्ट भी 12 ही है ना,
डेप्ट इक्विटी 0.5 है इंटू 1 माइनस t इज 0.7, कितना हुआ सर बताओ? 12 प्लस 0.5 इंटू 0.7 मतलब 12 प्लस 0.5 मतलब 12.5, नहीं सॉरी ये वाला तो कुछ नहीं होगा ना, मतलब 0 इंटू 0.5 बेसिकली 12 माइनस 12 इज नथिंग और नथिंग इंटू 0.5 इज नथिंग, सो 12 इंटू 0.7, यस 12 इंटू 0.7 वही तो अल्टीमेटली हो रहा है, मतलब जीरो एट इंटू पॉइंट पॉइंट फोर हाँ वेरी गुड सर 8.4। क्या सिचुएशन रहा? सेम सिचुएशन इज सेम, जब इकोनॉमी नॉर्मल सिचुएशन में चलता है चाहे आप इक्विटी लो चाहे आप डेब्ट लो क्या फर्क पड़ता है? हाँ चाहे नो डेब्ट सिचुएशन हो चाहे डेब्ट सिचुएशन हो रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों केस में सेम दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड इनडिफरेंस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड इनडिफरेंस पॉइंट। तो कंक्लूजन क्या रहा? फार्म शुड बी इनडिफरेंट बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू इंटरेस्ट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट अगर सेम रहता है जो नॉर्मल सिचुएशन में दिखता है, और इन दैट सिचुएशन फार्म शुड बी इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब होता है सिमिलर, ठीक है, मतलब ना तो गुड है ना तो बैड है, ठीक है, मतलब ना इधर गुड नॉर बैड, ठीक है, ना तो बैड है ना तो गुड है, सर नॉर्मल, तभी तो है ना नॉर्मल स्टूडेंट बोलते हैं ना हम लोग, सर नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट है, ना अच्छा है ना बुरा है, ठीक है, तो एक ये सिचुएशन है, अच्छा बुरा कुछ नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन इनडिफरेंट पॉइंट, ओके, तो ऐसे सिचुएशंस में सेम रिटर्न आता आएगा इक्विटी के लिए, चाहे आप डेब्ट वाली कंपनी हो मतलब लीवर्ड हो, अगर आप नॉन लीवर्ड हो मतलब अनलीवर्ड हो, तो सेम सिचुएशन। लिख लिया? हाँ सर हो गया, लिख लिया आप लोग? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आज और स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं सोचा था आज ही करूँगा, बट इसमें काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस करना पड़ा, कल के क्लास में सर चर्चा करेंगे डिविडेंड डिसीजंस। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, अनदर फाइनेंस का एक बड़ा ही वाइटल पॉइंट है डिविडेंड डिसीजंस। अब मार्केट में कोई भी एनालिटिकल कंपनी मतलब साइट में जाओ जहाँ पर स्टॉक एनालिसिस देता है, उसमें कुछ चीज़ें बहुत फेमस होता है कि भाई कंपनी जैसे ये सब तो इंट्रिंसिक वगैरह स्टॉक मार्केट में चर्चा करता हूँ, रिटर्न वर्सेस एफडी ये सब जरूरी, जैसे डिविडेंड रिटर्न, क्या कंपनी डिविडेंड देता है, ठीक है, तो ये डिविडेंड रिटर्न का जो खेल है, जैसे आप देख सकते हो सर रिलायंस का जब मैं बात करूंगा, रिलायंस अच्छा डिविडेंड नहीं देता, ठीक है, बट रिलायंस के स्टॉक में ग्रोथ बहुत होता है, आज मैं बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनना, आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, आप देखो लुक हियर, हाँ लास्ट 5 साल में आप रिलायंस का ग्रोथ देखना सर, लास्ट 5 ईयर्स में जस्ट लुक एट, ये जो कोरोना के किए हुआ है, ये जो बीच बीच में जो बड़ा बड़ा घाई दिख रहा है ना सर, ऐसे लगा कि जैसे कहाँ से गिर गया, हाँ ये एक्चुअली ड्यू टू कोरोना, हाँ कोरोना को थोड़ा साइड में रखते हैं, लास्ट 5 साल में रिलायंस का एक शेयर 400 से 400 या 500 टका से अभी सर 2500 के चल रहा है, ये रिलायंस बड़ा ही रिजनेबल रेट में चलता है मार्केट में, रिलायंस का बिजनेस सिचुएशन ना मतलब बहुत फास्ट मूविंग ही नहीं है और बहुत स्लो मूविंग भी नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा फास्ट मूव भी नहीं करता, अच्छा लगता है मुझे रिलायंस जैसा बिजनेस, बड़ा ही सस्टेनेबल बिजनेस है, मतलब ऐसा नहीं कि अचानक बहुत ग्रोथ दे देगा अचानक बहुत नीचे कर देगा, ऐसा नहीं करता है, ठीक है सर। और एक बिजनेस देखो आप ITC, ठीक है ध्यान से देखना, इसका 5 साल में ग्रोथ देखना सर, लेकिन इसका डिविडेंड रिटर्न देखना, क्या दिखाई दिया? हेलो, इसका डिविडेंड रिटर्न अच्छा है, वेरी गुड डिविडेंड रिटर्न प्रोवाइड करता है ITC, बट इसका बिजनेस का ग्रोथ देखो लास्ट 5 ईयर्स में, अच्छा था थोड़ा डाउन में गया फिर से थोड़ा सा, मतलब साइडवेज है, नॉट बहुत अच्छा, खराब नहीं बोल सकते बट साइडवेज है, ग्रोथ नहीं दे पाया, तो क्या केस है?
डिविडेंड पे क्या डिपेंड करता है? बहुत कुछ डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्लास कल का चर्चा होगा, ठीक है? ओके सर, आज और डिविडेंड डिसीजन पे बात स्टार्ट नहीं करूँगा, ठीक है? समझ में आया? बोलो, कल डिविडेंड डिसीजन करेंगे। ज्योति, मौसमी, प्रिया, रोशनी, विशाल। अच्छा एक चीज़ आप लोगों को बताऊँ, स्पेशली जो लोग CMA का प्रिपरेशन कर रहे हो, CMA के लिए जो इंस्टीट्यूट का जो सजेस्टिव क्वेश्चन है आप लोगों को मैं शेयर किया था, आप लोग प्लीज़ उसको प्रैक्टिस करो सर, ठीक है? इंस्टीट्यूट का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट ने निकाला, मौसमी के पास भी है, प्रिया को मैं अगर शेयर नहीं किया आप मुझे थोड़ा बताना, मैं शेयर कर दूंगा, विशाल को भी बता रहा हूँ, रोशनी को भी बताना। अच्छा रोशनी और इसको ज्योति को मैं कुछ क्वेश्चन सेट शेयर करता हूँ आजकल में, आप लोग प्लीज़ उसको सॉल्व करने का कोशिश करना, ठीक है? ठीक है सर। दादा CSR हाँ मॉड्यूल सर, CS के हिसाब से ही भेजूंगा तुम लोगों को, ठीक? अच्छा ठीक है, ओके ठीक है सर, राक्षी दादा गुड ओके नाइट सर, टाटा, गुड नाइट, बाय गुड सर, नाइट सर बाय सर, बाय सर गुड नाइट बाय सर, टाटा।